कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जिला कांगड़ा को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके तहत जनता कर्फ्यू की सफलता के बाद सोमवार यानी कि आज से ही जिला कांगड़ा में अपना कर्फ्यू लागू कर दिया है, जो कि आगामी आदेशों तक जारी रहेगा। ये जानकारी उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उपायुक्त ने बताया कि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे कि करियाना, फल, सब्जी, दूध, ब्रेड, पेट्रोल पंप और ऑनलाइन डिलीवरी के सामान सहित रोजमर्रा की वस्तुओं की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। अगले आदेशों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा टैक्सी, निजी बसें, एचआरटीसी की बसें, ट्रेन, हवाई सेवा जिला कांगड़ा में पूर्णतः बंद रहेंगी। जिला कांगड़ा में अब बाहरी राज्यों तो दूर अन्य जिलों से भी लोग प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बाहरी जिलों व राज्यों से आने वाले लोगों को केवल एक बार ही जिला कांगड़ा में कारण बताने तथा स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र देने पर ही प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन उन्हें जिला से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्यों व प्रदेश के अन्य जिलों से जिला कांगड़ा में आने वालों को जिला के बॉर्डर तक अपनी गाड़ी के बाद जिला में प्रवेश के लिए जहां संबंधित व्यक्ति जाना चाहता है उन्हें अपने निजी वाहन में ही ले जाना पड़ेगा। उपायुक्त ने बताया कि दूसरे राज्यों में कार्यरत कर्मियों और सैन्य जवानों के पास अपने स्तर पर आवागमन की सुविधा होने पर ही वे अपने कार्यस्थल व गंतव्य स्थानों पर जा सकेंगे। जिला कांगड़ा में जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहनों की पूछताछ के बाद ही ड्राइवर और कंडक्टर के साथ उन्हें एंट्री दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी व निजी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों को कार्यालयों में रोस्टर के तहत स्थानीय कर्मियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांगड़ा में 2 पॉजिटिव केसेस आए थे और आज जनता कर्फ्यू भी लगा हुआ है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो ये जनता कर्फ्यू लगा हुआ है उसको और फर्दर एक्सटेंड किया जाए कांगड़ा में, क्योंकि कांगड़ा में इसकी ज़रूरत है। और इसी प्रकार से जो आदेश हैं कांगड़ा में टोटल लॉकडाउन के, वो जारी किए गए हैं और इसको लॉकडाउन हम नहीं कहेंगे, कल से अपना कर्फ्यू के नाम से इसको हम जानेंगे, क्योंकि इसमें सभी समाज के सभी वर्ग से आज आपके माध्यम से अपील की जा रही है कि जो ये अपना कर्फ्यू लगने वाला है इसको अपना कर्तव्य समझें और अपना कर्तव्य समझकर पूरे समाज को सुरक्षित रखने के लिए जो कर्फ्यू है उसमें हमारा साथ दें। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के लिए पूरी स्वायत्तता थी। अब कल से भी यही रहेगा, हमारे हॉस्पिटल्स खुले रहेंगे, हमारे जो एसेंशियल आइटम्स के ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे और जो शॉप्स हैं जैसे किराना की दुकानें हैं, मिल्क और ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। हॉस्पिटल्स तो खुले ही हैं, पेट्रोल पंप्स हमारे खुले होंगे, जो ऑनलाइन डिलीवरी होती है वो भी खुली रहेगी और जिस प्रकार से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जो वो प्रभावित ना हो, ताकि लोगों को एसेंशियल आइटम्स मिल सकें उसके हिसाब से ही जो छूट है वो लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मीडियम हैं, टैक्सीज हैं, ऑटोज हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स हैं, हमारे प्राइवेट बसेज हैं, एचआरटीसी की बसेज हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, ट्रेन्स हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और लॉकडाउन का मतलब ये हुआ है कि जो कांगड़ा में लोग आना चाहते हैं उनका कांगड़ा का अपना एड्रेस होना चाहिए और हमारी ही गाड़ियों से आएंगे। बाहर का कोई भी इंसान चाहे किसी दूसरे ज़िले का ही क्यों ना हो, उसको कांगड़ा में प्रवेश वर्जित होगा। इसके अलावा हमारे पास आर्मी के जो लोग हैं यहाँ पे काम करते हैं उनको आवागमन की इसमें छूट रहेगी। पूरी कोशिश की जा रही है कि कांगड़ा में और जो मामले हैं, जो सस्पेक्ट केसेस हैं, उनको कोशिश किया जा रहा है कि उनको हम हॉस्पिटल तक ले आएँ, उनको चेक करें, अगर वो पॉजिटिव हैं तो उनको आइसोलेट करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि टांडा में अभी 19 सैंपल्स गए हुए थे टेस्ट होने के लिए, उसमें से 17 नेगेटिव आए हैं
और दो सैंपल फेल हो गए हैं क्योंकि उनका जो कलेक्शन था वो ठीक ढंग से नहीं हुआ था। उसमें एक हमीरपुर का था और एक कांगड़ा का था। तो आज के हिसाब से देखें तो अभी भी दो प्रिलिमिनरी केसेस ही हैं हमारे जो पॉजिटिव हैं। अब जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि जो कम्युनिटी स्प्रेड है, जो हमारे आपस में जो स्प्रेड है उसको रोका जा सके, क्योंकि अब बाहर की तरफ से तो पूरी कोशिश ये की जा रही है कि लॉकडाउन के बाद बाहर से कोई इन्फेक्शन हमारे पास ना आए। अगर आप लोगों के कोई सवाल है तो इसमें। जैसे टांडा मेडिकल कॉलेज में पूरे चंबा जाना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ फैसिलिटी, क्योंकि बस सर्विस भी टोटली बंद है। बस और ये बंद है। अब लोकल अगर कोई गाड़ियाँ इंतज़ाम करके लोग जा सकते हैं तो जाएं, और इसमें ये भी है कि 4 से ज़्यादा कोई गाड़ी में बैठ के नहीं जाएगा, क्योंकि धारा 144 भी लगी हुई है, तो उसका भी ख्याल रखें। और आज जैसी स्थिति थी, जैसा आप सब लोगों का सपोर्ट मिला, पूरा समाज का सपोर्ट मिला है, मैं चाहता हूं कि एकदम ऐसी ही स्थिति आने वाले समय में भी रहे, ताकि जो ये संक्रमण फैला है उसको रोकथाम में मदद मिल सके। सर, एम पैनल जो हॉस्पिटल है प्रदेश सरकार के, उसमें हेल्थ सर्विसेज जारी रहेंगी या नहीं? जो एम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल हर प्रकार के हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, और अगर ऐसी कोई स्थिति आती है इमरजेंसी की, अगर हमारे लोग बाहर जाके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में चेकअप कराना चाहते हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो हमने बोला है कि जो एंट्री है वो इंक्वायरी बेसिस है, और संवेदना के साथ हम वहाँ पे लोगों के साथ डील करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में लोगों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सर, एम्पैनल्ड जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है कर्मचारियों को और जो वहाँ प्रशासन है उनको दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसे कोई ऑर्डर स्थानीय प्रशासन को नहीं गए हैं, तो अब ये जो ऑर्डर आया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश से ऑर्डर आया है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर जितने भी इस तरह के एम्प्लॉयज़ हैं जिनको इस तरह की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है वो अपने ऑफिस में दें। अब इस ऑर्डर के उपरांत और किसी ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी। सर, एक ना सवाल आया है सोशल मीडिया पे, पंजाब के बहुत से लोग जो है जसूर और नूरपुर के आसपास अपना कारोबार करते हैं, डेली दुकानें वगैरह करते हैं, नियर अबाउट हमारे तलवाड़ा वगैरह के, उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, जो तो एसेंशियल कमोडिटीज के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, जो जो होलसेल का काम कर रहे हैं, उनको हम इंक्वायरी बेस पे वहाँ से आने जाने देंगे। उसके लिए जो मैकेनिज्म है कल हम तैयार करेंगे अभी एसपी साहब के साथ, और बाकी जो हमारे डीएसपीज हैं, जो एसडीएम से उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से ये बातचीत हो गई है, और कोई ना कोई इसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। और लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि उनकी वजह से कोई इन्फेक्शन अंदर ना आए, उसको इंश्योर किया जाएगा। तो उसमें अगर कोई कंस्ट्रेंट आती है तो लोगों को समझना होगा।